अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो ये पेपर हम लोगों ने निकाला था, एंड ये पेपर हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स के लिए निकाला था जो ऑब्वियसली एसटीएचपी में हैं, क्योंकि यहाँ पे एसटीएचपी फाउंडेशन सेमेस्टर लिखा हुआ है। उनका फर्स्ट मिड अभी होने वाला है ऑब्वियसली, फर्स्ट डेट ऑफ जैन को। सो फर्स्ट मिड के लिए ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा एक इशू है, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो बेसिक में भी उनको बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा है कि बेसिक से भी आएगा, एक लॉगरिथम का चैप्टर है उनमें से भी है, और 4.1 या 4.2, 4.2 का तो अंदाजा नहीं है, मगर 4.1 जो है, जो हो सकता हूँ कि वो क्या है, एडिशनल मैथमेटिक्स उनके चैप्टर में से थर्ड एंड फोर्थ में से, फोर्थ का कितना पार्ट है वी डोंट नो, वो आप लोगों को टीचर्स वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। बट हमारा काम होता है आप लोगों को एडिशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। जैसे कि ये लिखा हुआ है सारी, मैंने ऑब्वियस जब ये पीडीएफ इधर उधर भेजा था तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये पूरा पढ़ना था, ये किस लोगों के लिए है क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक हो गया। सो उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक, हम ऑब्वियसली हमारे साथ कनेक्ट होने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हमारा फेसबुक पेज। सो यू कैन लाइक अवर फेसबुक पेज एज वेल, के आप हमारी जो एडिशनल जो भी है चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती जाए, और हमें प्लीज सराहा जरूर करें, हमारी टीम को सराहा जरूर करें, क्योंकि उन लोगों को मोटिवेशन मिलती है। ये क्वेश्चन थे फर्स्ट से लेकर, यही क्वेश्चन थे, एंड देन ये बेसिक के थे, एंड देन उसके बाद ये लॉगरिथम के स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। ये लॉगरिथम के क्वेश्चन थे, एंड लुक व्हाट इट इज हियर। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं। कह रहे इफ एम इज इक्वल टू 3.6 × 10 पावर 6 इंटू सॉरी एंड एन इज इक्वल टू 6.0 × 10 पावर 7, देन एम अपॉन एन इक्वल्स वन। देखो एम क्या है, एम आपका, क्योंकि एम है ना, रखना तो एम ही है। आप लोगों ने डेटा बनानी होती है, जब भी आप लोग सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करते हो तो डेटा बना के उसके बाद आप बनाते हो क्वेश्चन को, भाई एम इज इक्वल टू 3.6 × 10 पावर 6 एंड एन इज इक्वल टू 6.0 × 10 पावर 7 एंड देन एम अपॉन एन इक्वल्स व्हाट, ये बनाते हो। इस बनाने के बाद आप लोगों को ऑब्वियसली नाउ पुट द डेटा, ठीक है, नाउ पुट वैल्यूज या कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। यानी एम क्या है, एम है आप लोगों का 3.6 × 10 पावर 6 अपॉन एन क्या है भाई, 6.0 × 10 पावर 7। अब एक बात हमेशा याद रख लें, इसको सॉल्व करते वक्त आप लोग एक चीज का ख्याल रखा करेंगे, हर चीजें वैसे ना कर दिया करें। कुछ स्टूडेंट क्या करें, ये 10 पावर 6 जो है, ये 6 जो है मतलब ऑब्वियसली ये लगभग अंदाजा यूं कर दिया, ये करके पॉइंट खत्म करके 5 0 दे दिए इसको, और उसके बाद 7 जो इधर आया तो 6 0 और दे दिए उन्होंने, ठीक है ना, मतलब 7 0 दे दिए। तो ये ऐसी चीजें हरकतें ना किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। ये आप लोगों का एक रास्ता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना, ये 10 बेस है, ये 10 बेस है, मल्टीप्लाई है, तो इसको ऊपर ले जाएं, और इसका क्योंकि ये देखिए 6 पॉइंट अगर 0 होता है ना, ये 6.0 कोई वैल्यू, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये 6 है, देने वाला ये सोच के देता है कि कहीं ना कहीं आप भटकेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कुछ ज्यादातर स्टूडेंट जो है भटके भी सही इसमें, ये टेस्ट हम लोगों ने फाउंडेशन में से एसटीएचपी जो बच्चे हमारे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं हमारी हॉस्टल में, तो उनके लिए हम लोगों ने टेस्ट निकाली भी एडिशनल, और उनको क्लासेस भी देते हैं, तो माशाल्लाह ये सपोर्ट भी हो जाती है और दुआएं भी आप लोगों से मिलती हैं। देखो अब ये पॉइंट, क्योंकि ये 3.6 अपॉन 6 है, ऐसा समझ लें, × 10 पावर 6 ये -7 होगा, क्योंकि ये 10 बेस सेम है, ऊपर चला के माइनस हो जाएगा। अच्छा ये जब पॉइंट खत्म करेंगे आप लोग, तो अल्टीमेटली क्या आता है, नीचे 0 आ जाता है। या ये काम करें, या दूसरा काम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कैसा काम, यानी अगर इसको 3.6 रहने दिया जाए, अभी 6 है नीचे, ठीक है, × 10 पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब देखिए जब भी 3.6 को, यानी 3.6 को आप पॉइंट इधर करेंगे, यानी 36 करेंगे, तो 10 पावर -1 होता है, यानी राइट साइड पे जाएगा तो -1 होगा ना, माइनस का होगा, तो जब भी 36 बनेगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 10, यानी × 10 -1 बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, 36 अपॉन 6 इंटू क्या हो जाएगा, फिर 10 -2 हो जाएगा, 6 की टेबल कितने टाइम लग गई, 6 × 6 × 10 पावर -2। कुछ बच्चों ने इधर तक का आंसर छोड़ दिया, यहाँ तक का आंसर काफी नहीं होता, भले आप लोग, कोई मसला नहीं, यहाँ तक कि भी कुछ जो टीचर्स होंगे आप लोगों जो असेसमेंट करते हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली मसला नहीं होगा, मगर ये है कि कुछ ना कुछ चाहेंगे कि भाई आगे चलें। तो देखिए ये 6 है, पॉइंट इधर है, माइनस का है, तो ऑब्वियसली एक इधर चला गया, फिर दूसरा इधर आ गया, यानी 0 पॉइंट ऐसे 0.06 आ जाएगा, यानी 0.06 भी आप कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसी क्वेश्चन का, डन। अच्छा हम आगे चल रहे हैं,
इसके बाद नंबर सेकंड की अगर बात करूं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ग्राफ के तौर पे बना सकते हैं। वैसे भी देखो, 2/3 ऑफ फैकल्टी ऑफ हाई स्कूल आर वेमेन, यानी एक स्कूल है, टोटल स्कूल है, कंप्लीट स्कूल है, लेट से कि वो एक्स है, ठीक है, मतलब आप लोग ले सकते हैं, यानी डेटा बना सकते हैं। डेटा में क्या कर सकते हैं, यानी 2/3, यानी देखो 2/3 हाँ ऑफ हाई स्कूल, लेट से मैं कहता हूँ हाई स्कूल आर वेमेन, वेमेन बन गया। अच्छा, अब मेन कहाँ से मिलेंगे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 2/3 है, अगर एक बंद एक चीज को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, ये क्या है 2/3 है। अब 2/3 वेमन है, तो 1/3 जो है वो क्या है, मेन है। तो आप कर सकते हैं कि भाई 1/3 जो है वो क्या फिर मेन है, ठीक है, ओके हो गया। अब उसके बाद आपको पता चल गया कि 1/3 मेन है, ये डेटा बना ली थोड़ी बहुत। उसके बाद आप लोगों ने देखा 12 ऑफ द मेन आर अनमेरिड टीचर्स में से, फैकल्टी में से, एंड 3/5 मेल आर अनमेरिड। मसला ये है कि जो ओरिजिनल ये क्वेश्चन है वो ये था कि 12 मेन आर अनमैरिड एंड 3/5 मेल टीचर्स आर मैरिड, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन और इजी हो गया है। यानी देखो, एक मेल है, ठीक, दूसरी फीमेल हजरात है, फीमेल हजरात है, ठीक, हो गया। अब फीमेल 2/3 थी, और मेल मतलब टोटल मेल जो थे वो कितने थे, 1/3 थे। टोटल मेल क्या, 1/3, ये 2/3। अब 1/3 जितने टोटल मेल थे, उन्हीं मेल में से जो लेट से मैं कहूँ कि जो मैरिड है, मतलब मेल में से मैरिड 3/5 है, और ऑब्वियसली उसका काउंट भी किया गया कि वो 12 है, यानी टोटल की फाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर 1/2 ऑफ 50 इक्वल्स लेट से 25 है, तो ये टोटल होता है यहाँ पे। यानी अगर 1/3 सॉरी 1/3 मुझे फाइन करना है, टोटल 1/3 फाइन करना है, तो यानी क्या होगा, यानी 3/5, 1/3 का एक्स ले, क्योंकि 1/3 नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी आपको मिलेगा अब टोटल टोटल क्वांटिटी मेल की, 1/3 ऑफ एक्स इक्वल्स 12 हो गया। अभी क्या कितना रिजल्ट आएगा, यानी आपका रिजल्ट आएगा 20, एक्स 20 आ जाएगा। अब ये 20 कौन है, अब ये 20 आपके हैं, ये मेल हजरात, ये 20 हो गए। अब आपको पता है कि भाई मेल जो है वो एक तो 1/3 फ्रैक्शन भी 1/3 है, और उसके बाद 20 आपको मेल टोटल का मिला। अब टोटल फैकल्टी मिल सकती है, यानी 1/3 ऑफ टोटल फैकल्टी, फिर टोटल को एक्स ले या वाई ले, कोई मसला नहीं है। 1/3 ऑफ टोटल फैकल्टी कितना है, अभी 20 है, तो देखो कितना मिलेगा, 3 उधर जाएगा तो क्या 60 आ जाएगा। तो टोटल फैकल्टी जो आपके पास बनी वो कितने बने, 60 आ गया। सो इस चीज का थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। भले आप ग्राफ बना रहे हैं, मगर बड़ा क्लियर तरीके से बताइए, मतलब बनाइएगा कि टीचर हजरात को जो आप लोगों की जो बात है वो आसानी से पहुंच सके उधर, ठीक, हो गया, शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ तो आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर यू गाइस हैव टू बी वेरी पेशेंट, एंड देन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए है ये चीजें। कह रहे हैं, मदर डिवाइडेड द मनी अमंग रॉम, सैम एंड मारिया, एंड रेशियो 2:3:5। इफ मारिया गॉट 150, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। देखिए, ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों को करवाता हूँ अपनी अकेडमी में, तो बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से करवाता हूँ, यानी बस मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ उनको, सवाल हल और डायरेक्ट विद इन मिनट आंसर निकल आता है। मगर यहाँ पे आप लोग जो एस टी एच पी एन टी एच पी वाले हो, या डायरेक्ट सॉरी सॉरी फाउंडेशन वाले हो, सो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव मेथड अप्लाई ना करें, सब्जेक्टिव मेथड अप्लाई करें। यानी सबसे पहले आप डेटा निकालें। अब डेटा से क्या है भाई, रेशियो जो है, यानी रॉन सैम एंड मारिया कितना है, 2:3:5 है, ठीक, हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि टोटल मतलब मारियाज शेयर, ठीक है ना, यानी मारियाज शेयर, मारियाज शेयर आप ऐसे लिखें, मारियाज शेयर कितना है भाई, 150 हो गया है, मारियाज शेयर 150 आ गया, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। नाउ एज पर द फॉर्मूला, एज पर द अंडरस्टैंडिंग, आप एक एक बंदे का शेयर कैसे निकालते हैं, यानी आप कर सकते हैं रेशियो, देखो मतलब एक फॉर्मूला होता है, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियोज, ठीक, सम ऑफ रेशियोज, ये सम ऑफ रेशियोज करते हैं इनटू टोटल, हाँ, इज इक्वल टू पार्ट, ये करते हैं इज इक्वल टू पार्ट, यानी पार्ट से मुराद ये होता है कि लेट से रेशियो, अगर आप मिसाल के तौर तो मारिया के ले रहे हैं, मारिया का रेशियो कितना है, 5 है, और सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 2:3:5 कितना है भाई, 10 है, सम ऑफ रेशियो 10 निकला। अब ये टोटल का पता नहीं है आपके पास, मिसाल के तौर की बात है, टोटल का आपके पास पता तो है नहीं ना, बाय द वे नहीं है, ठीक है ना। अब टोटल आपको ले एक्स इक्वल्स टू, अब मारिया का रेशियो भी लिया आपने, मारिया ने टोटल कितना मतलब पार्ट था मारिया का, 150, 150 आ गया। अब देखो तो करो, यानी 5x अपॉन 10 इक्वल्स 150, 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम, तो x अपॉन 2, 2 उधर गया तो कितना आएगा, 300,
तो टोटल जो पार्ट था वो 300 था, 300 में से 150 जो है वो गया मारिया को, बाकी 150 जो है वो रॉन एंड सैम को जाएंगे। कैसे जाएंगे वो आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों पूछा भी जाए कैसे जा सकते हैं, यानी 2 अपॉन टोटल मिल गया ना, 2 अपॉन, क्योंकि अगर मैं करूँ रॉन का तो 2 अपॉन मिसाल के तौर पे कितना सम ऑफ रेशियो 10 है, इंटू अब टोटल मिल गया, अब टोटल लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, तो 5 हो गया, 5 की डबल फिर इधर से जाएगी 60, मतलब 60 जो है आप लोगों का रॉन का जाएगा, 150 में 60 अगर रॉन का है तो 90 किसका मिलेगा, 90 आपको सैम का मिल जाएगा, वो भी 90 ऐसे आप लोग मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। नंबर 4 देखो, कह रहा है कि व्हेन वी डिवाइड 370 इनटू 3 ऑब्वियसली पार्ट सच दैट सेकंड पार्ट इज 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड पार्ट इज 3:5, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द सेकंड पार्ट। आपको सेकंड पार्ट का शेयर ढूंढ रहा है, मगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है अकलमंदी से, इधर देखिए जरा, शाबाश। कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है वो 1/4 है थर्ड पार्ट के, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, अगर थर्ड पार्ट लेट से मैं कहता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी है, ठीक है, अगर ये आपका मतलब 1 है तो ये क्या 1/4 है, यानी 1/4 होगा, मगर आगे देखें, आगे फिर कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ए और सी जो है वो क्या 3:5 है, चलो रख देते कोई मसला नहीं है, तो मैं अगर यूं करूं 1 और 5, 1 को और 4, 1/4 काट कर मतलब काट कर 3:5 ऐसे 5 करूं, तो सी का मुझे 5 मिल गया, तो बी क्या मिलेगा, क्योंकि बी जो है 1/4 है, यानी 1/4 ऐसे फाइंड होता है, यानी 5/4 होगा, तो बी क्या होगा 5/4 होगा। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए आप लोगों को फाइल मतलब हल करना होगी, ठीक हो गया। अच्छा अब मसला ये है कि ये आपको रेशियो मिला है, अब ये सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं है, यानी आपके पास 3/1 है, 5/1 है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो यू गैस जस्ट है वन वे। देखिए कैसे, अब इसका रेशियो फाइंड करने के लिए आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 1/4 4 × 3 इसी का ऊपर वाला कितना 12 आता है रेशियो, फिर आपने फाइंड करना है इसी का रेशियो, यानी इसका रेशियो, तो इसका न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 1 × 1 1 और 1 × 5 5 हो जाएगा रेशियो, फिर क्या होगा इसका फाइंड करने के लिए 1 × 4 4 × 5 20 हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल रेशियो मिला है, फाइनल रेशियो। अब किसका पार्ट चाहिए, आपको पार्ट चाहिए सेकंड का, अब सेकंड का पार्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, सेकंड का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 5 बना हुआ है, अब 5 है, अब यही क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर पे करके आए हैं, मतलब अब आप लोगों को क्या करना है, सेकंड का पार्ट फाइंड करना है, टोटल मिला हुआ है आपके पास, क्योंकि डेटा में आप बनाएंगे टोटल जो है वो आपका 370 है, फिर पार्ट आप बनाएंगे भाई ए मतलब ए रेशो सी जो है लेट से कि वो 3:5 था, और ए रेशो बी रेशो सी जो है बन रहा है वो क्या बन रहा है 3:5/4:5 लेट से ऐसे बन रहा है, अब उसके बाद आप लोग आगे कर सकते हो कि भाई नाउ नाउ ऑब्वियसली सिंप्लीफाई द रेशियो, सिंप्लीफाई जब रेशियो सिंप्लीफाइड रेशियो, यानी सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड रेशियो अगर जब करेंगे आप लोग तो वो 12:5:20 मिलेगा, ठीक। अब आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ ऐसा करो पार्ट ऑफ बी क्या होगा, यानी पार्ट ऑफ बी के लिए आप लोग क्या करोगे 5/ सम ऑफ रेशियोज क्या बनता है 37 × टोटल कितने 370 इक्वल्स पार्ट बी करना है, बी यानी पार्ट करना है, 37 की इस पे टेबल 1 टाइम जा रही है, तो 5 × 10 कितना 50 आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 50, तो बी का पार्ट कितना हो गया 50 हो गया, बात खत्म हो गई। सो यहाँ तक कि मतलब कॉन्सेप्ट से ज्यादातर नहीं थे, अब सजेस्ट यू कि आप लोग एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी ये सारी चीजें अगर आप लोग फर्स्ट मिड में हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा अगर पार्ट है तो। अब ये क्वेश्चन है बच्चे ने बड़ा जबरदस्त कहा था कि सर ये अलग अलग पैसे क्यों दे रहे हैं, देखिए क्या ए बी सी इंटर इंटू पार्टनरशिप, ए कॉन्ट्रीब्यूट 32,000 फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों के लिए उसने 32,000 दिए, बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 51,000 ऑब्वियसली नहीं 5 लैख आई थिंक ऐसे ही है 5,10,000 है ठीक है ना, फॉर 3 मंथ्स किए, सी कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया 27,000 या लाइक दिस, एंड उसके बाद आई थिंक 2,70,000 सॉरी फॉर 5 मंथ्स, इफ द टोटल प्रॉफिट इज आर देश देन हाउ मच इज शेयर वुड बी इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इज देश। देखो टोटल प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है वो कितना है भाई 1,24,800 ये टोटल प्रॉफिट है, बी और सी का प्रॉफिट क्या ये है, जब बी और सी का टोटल कंबाइंड है तो 1,248 से निकाल दो ये आप लोगों का हो जाएगा। अब मैं एक बात बताऊं, ये बच्चों ने किया है, ये मैंने पेपर भी चेक किया है, ये किया है, मगर ये
ये वैलिड मेथड नहीं है, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए वैलिड मेथड नहीं है। ये वैलिड मेथड तब कहलाता है जब आप ऑब्जेक्टिव कह रहे हो उसे, ये सब्जेक्टिव के लिए वैलिड नहीं है। देखो आप लोग सबसे पहले बनाते हो डेटा, लिखते हो। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अब ए का शेयर बनाने के लिए यानी 32,000, यानी ऐसा समझो हाँ, मैंने 3,20,000। अब देखो इनकी अमाउंट के साथ जितने महीने इसने काम किया है वो मल्टीप्लाई करना है। अब बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 5,10,000 रुपीज। अब कितने महीने रहा है ये, 3 महीने, मल्टीप्लाई करना है। सी ने कितना, 2,70,000, कितने महीने अकेली काम किया इसने, 5 मंथ के लिए। अब ये मल्टीप्लाई करो आप लोग, यानी कितना बनेगा, 8, ठीक ये बनेगा 12,800। उसके बाद इसका कितना बनेगा भाई, यानी 3, ऐसे ये बन जाएगा। और इसका कितना बनेगा भाई, देखो जरा ये ए रेशो ए बी सी का टोटल पार्ट ऐसे आएगा। अब क्या करना है, इन्हीं को ए रेशो बी रेशो सी में लिखना है, ए रेशो बी रेशो सी में। यानी ए का क्या आया भाई, 1,28, 1,28,40 रेशो, इसका क्या आया, 153,40, ठीक हो गया, रेशो 135,40। अब सबसे पहले काम आपने करना क्या है, सबसे पहले काम आपने करना है कि भाई ये 0,0 रेशो में 4,0, 4,0, 4,0 गई, तो 128 रेशो 153 रेशो 135 आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना है इस रेशो को, तो ठीक है कोई मसला नहीं है। बट आप अब आपके पास क्या है, ये आपको रेशो आ गया, ये सिंप्लीफाई फर्दर हो रहा है, तो प्लीज गो फॉर दैट, सिंप्लीफाई करो इसको, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, जैसा भी है बस आपको तरीका बता रहा हूँ। ये करके आपको किसका शेयर चाहिए, आपको ए का शेयर चाहिए, ए शेयर वुड बी ठीक है इफ द टोटल जो बी और सी का, आपका बी और सी से सब्जेक्टिव पार्ट में बी और सी से वास्ता नहीं है। अब ए का कितना होगा, यानी मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि ए का शेयर के लिए 128 अपॉन यानी सम ऑफ रेशियो, यानी 128 प्लस 153 प्लस 135 किया इंटू आपने क्या करना है, टोटल जो प्रॉफिट है 124,800, ठीक है, इज इक्वल टू ए का पार्ट मिल जाएगा आपको। तो ये आप सम करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, यानी डायरेक्ट आप लोग 124,800 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों का काम इतना आसान, या आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको डायरेक्ट ज्यादातर मार्क्स मिल जाएंगे इस पे, क्योंकि इस पे मार्क्स ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारी थी कि मैंने इन पे दो दो मार्क्स दिए, इस पे सारों पे दो दो मार्क्स दिए, सिर्फ आखिरी पे 1 मार्क दिया है ऐसे। अच्छा अब नंबर छठा देखें, कह रहा है मेंस वेजेस वर डिक्रीज द 50%, यानी कितना होता है, लेट लेट मिसाल के तौर पर आप क्या करें, डेटा बनाते हैं पहले, डेटा बना के यानी टोटल जो है वो लेट से लेट टोटल लेट टोटल किया, टोटल जो आपके पास 100 है ठीक है ना, 100 है, एंड देन डिक्रीज कितना है भाई, 50% है। सो आप क्या करते हैं कि भाई नाउ 100% से 50% डिक्रीज हो गया, कितना बचा, 50, 50% बचा। अब अगेन देखिए, अगेन 50% इंक्रीज हुआ है, अब क्या 50%, अब 50%, अब देखिए ना जो रिमेनिंग था 100 से 50% गया, तो बचेगा क्या 50%, अब 50% से 50% का 50% इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 50% ऑफ 50% कितना होता है देखो, पहले वो निकालो, तो वो कितना होता है, 25% होता है। अब 25% तो ऑब्वियसली 50 का 25% इंक्रीज होगा, तो कितना बनेगा, 75। अब बंदे के पास टोटल कितना है, 75 है। अब पहले कितने थे टोटल, 100 था, 100 से 75 आ जाके बचा है, तो नुकसान कितना होगा, सो लॉस इज 25%। इसको पहली बात है कि लिखने के लिए थोड़ा आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव पार्ट के बता दें, लिखा जरूर सही तरीके से करा दें। ओके नंबर 7, बाय द व्हाट नंबर शुड -6 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स, देखो प्रोडक्ट है यानी ए इंटू बी है इक्वल्स यानी 9 -1 है। अब ये देखो दो नंबर की प्रोडक्ट है, कौन सा, ये कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी -6 पावर -1 इंटू व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं इसके साथ ये प्रोडक्ट -1 बने। तो ये माइनस है तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1/-6 हो जाएगा, तो ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, 1 है तो 1 नहीं भी लिखो कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू 9 -1 होगा। अब एक एक ही मसला है और कुछ भी वो मसला नहीं है, वो क्या मसला है, देखो ये माइनस का ख्याल रखना और उसके बाद ये माइनस का उधर ले जाए, 9 -1 इंटू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, सॉरी -6 इंटू -6, 9 पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ये इंटू 6 माइनस का हो जाएगा, यानी -6/9 हो जाएगा, 2/- क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टेबल लगाएंगे तो। सो फाइनली द आंसर इज दैट लाइक ऑब्वियसली वी गेट अ नंबर -2/3, 3
व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर टू -6 पावर -1 वी गेट, लिखना ही है, वी गेट 9 -1। गेट, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करना है, आप लोग उनके दम पर होती हैं। अब आता है मेन लॉगरिथम। अब देखें, ये मैंने 3 सवाल इसलिए दिए थे ताकि मैं थोड़ा चेक कर सकूं, या बच्चों को थोड़ा आप खुद को पता चल सके कि वो चेंज बेस लॉ में कहाँ तक के एक्सपर्ट हैं, चेंज बेस लॉ में कहाँ तक एक्सपर्ट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों की एक चीज बताता हूँ कि चेंज बेस लॉ, देखें आप लोग सिंपल बेस सिंपल मतलब सेम करते हो, यानी लॉग, अगर लॉग ए बी, आर्ग्यूमेंट अगर बी है, बेस ए है, तो चेंज बेस लॉ क्या होता है? चेंज बेस लॉ, चेंज बेस यानी बेस को आपने चेंज करना होता है। लॉग, लेट्स से कि बेस आपने सिंपल सी कर दिया, अपॉन क्या करते हैं, लॉग सी करते हैं, ये बी आपका इधर आता है और ये ए आपका इधर आ जाता है, सिंपल चेंज बेस लॉ हो गया। शर्त यह है कि बेस आपने सेम देनी है, मगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देनी है। इसके अलावा एक और भी बात है, देखें वो कौन सी है। अगर मैं यूं कर दूं, देखिए इसको अगर मैं यूं कर देता, बेस मैं सेम रखता, कैसे बेस सेम रखता, देखें अगर मैं इधर बेस रखूं बी, बेस में बी रखूं, तो बी बी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखें जरा, कॉम्बिनेशन देखें, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लॉग अगर मैं कहूँ 2 3 है, तो 1 अपॉन लॉग 3 2 भी लिख सकते हैं, यानी एक का आप लोग सिचुएशन बना सकते हैं वहां पे, और वहां पे एक ऐसा स्लैश दे के मतलब डॉट्स दे के आप लोग लिख सकते हैं, यानी लॉग ए बी एज ए प्रॉपर्टी लॉग ए बी, तो ये आपका लॉग बी ए बन सकता है, ठीक है। ये टीचर्स आपके टीचर्स को पता है कि ये ऐसे बन सकता है। ऐसे ही एक और सिचुएशन होती है, लॉग ए स्क्वायर बी है, लेट्स से, क्योंकि आप लोगों ने पावर लॉ पढ़ा है, पावर लॉ में क्या होता है, लॉग बी स्क्वायर अगर आ जाता है तो ये स्क्वायर इधर आ जाता है, अगर इसका स्क्वायर हो तो ये उल्टा बन जाता है, यानी क्या होगा, ये 2 है तो 1/2 बन के लॉग ए बी बन जाएगा, यानी 1/2 इधर आ जाएगा। अगर ये लॉग ए 1/2 है लेट से, तो 1/2 हो गया, उधर क्या बनेगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी इसका उलट जो है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो उधर जाके बन जाएगा। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना, इसको ख्याल रखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये सबसे पहला सवाल है कि लॉग ए 1/2 x, सिंपलीफाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। देखिए कैसे, 1/2 है, मैंने क्या कहा था, 1/2 अगर उधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो यानी लॉग ए एक्स आ जाएगा। अब ये इनफ नहीं है लिखना, क्योंकि आपको पता है बस एक ही लाइन नहीं बन लिखने की, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ये लिखना है, ऊपर लिखा लॉग √b x सॉल्व, ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख के आप लोगों ने, ऑब्वियसली आपकी मर्जी है ये फिर से लिखें या ना लिखें, क्योंकि जब छोटे क्वेश्चन हों तो आप लोगों को लिखना पड़ता है। लिखा एज पर प्रॉपर्टी, आप लिखेंगे एज पर प्रॉपर्टी, एज पर मतलब ऐसे ही एज पर प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि लॉग ए, ठीक, 1/2 लॉग ए आर एक्स लेट से, तो इट बिकम्स व्हाट, 1/r लॉग ए एक्स। आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या 1/r कर रहे हैं, यानी लॉग ए 1/r x इक्वल्स क्या, 1/r क्या बन जाता है, आर बन जाता है, सो ए एक्स आ जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टी आप लगा के फिर आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, फिर क्या बन जाएगा, 1/2 या 2 बन जाएगा, फिर लॉग ए एक्स बन जाएगा। तो ये ऐसे आप लोग प्रॉपर्टी किया करें, सो आंसर लिख दिया, मतलब लिख के दे सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, जैसे देखो लॉग, देखिए मैंने भी तो ऑब्वियसली आराम से क्वेश्चन नहीं देना देने दिया आप लोगों को, ये बना सबसे पहले देखो आपने, चलो ठीक है, किसी ने क्या किया कि 1/2 है, तो 1/2 जाके उधर आप लोगों का 2 बन गया, और 1/2 बन गया, ये ऐसे क्या ऐसा 1/b रहा, यानी लोगों ने क्या किया यहाँ पे 2 करके एक्स अपॉन, यानी इधर 1/b कर दिया, यानी बाय द वे ऐसा नहीं था, यानी 1/2 कर दिया, सॉरी 1/2 कर दिया, यहाँ पे बी रहा, ऐसे भी सही है, बट आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो यानी लॉग अगर मैं कहूँ कि ये एक्स है, तो ये 1/ यानी 1/b पावर 1/2 है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, आप लिखते जाए ऐसा। अब ये बी अगर मैं ऊपर ले आऊं, तो ये बी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 अगर इधर जाता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा ना, -2 bx, आ गया आंसर। तो यही चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना होगी। नंबर सी देखो, नंबर सी तो आसान था, नंबर सी में कोई मसला ही नहीं था, यानी लॉग b4 ये x2 है, यानी सेम एज पर पावर लॉ, यानी ये क्या आ जाएगा, 2 इधर और ये 4 है, तो upon 4 हो जाएगा, यानी log bx हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 log by हो जाएगा। सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आपका आंसर सही जा रहा है।
9 देखो, नंबर 9 में ऐसी चीजें आई थिंक सो के थी नहीं, बट थोड़े बहुत लेंदी थे, बट इतने ज्यादा लेंदी नहीं थे कि बच्चों ने बड़ा कमाल कर दिया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या ए है, अब ए में क्या है, लॉग 2y = 9 अपॉन log 2y। अब कुछ बच्चों ने अगर सब्स्टिट्यूट लिया यानी 2y को उन्होंने y ले लिया, तो y = 9 अपॉन y हो गया। अब y इधर आया लेट से, अब लोग देखो लिखने का तरीका क्या, सॉल्यूशन यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन लिख के आप लोगों ने लिखा है कि log 2y = y, ठीक। अब उन्होंने वायर लिख दिया, वायर लिखने के बाद वाई इधर आया तो y² = 9, फिर रूट दिया तो वाई क्या बना, +-3 बन गया। अब वाई +-3, अब तो वाई क्या है, देखो वाई क्या है भाई, वाई आपका है log 2y = +3 एक, दूसरा क्या है log 2y = -3 एक। अब आप लोग क्या करेंगे, मतलब चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते 2^3 हो जाएगा, ये y हो जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2^-3 y क्या आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो दो आंसर्स हैं, अब कोशिश ये करें कि देखें आपका सवाल क्या है, सवाल ये है अगर आप इधर 8 लिखते हैं तो आपका वैलिड बन रहा है, तो 1/8 लिखते हैं तो क्या वो वैलिड बन रहा है, देखो log 2 अगर यहाँ पे 1/8 लिखा आपने, तो यहाँ पे 1/8 लिखा और इसको इधर ले आए, ठीक है, मिसाल के तौर पे 2^-3 होगा तो -3 यानी ये -3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 9 अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, तो यानी ये आपका वैलिड नहीं बन रहा ऐसा है, या मतलब अगर बन रहा है तो वैलिड गुड, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ पे वैलिड देखना जरूर है, और अगर 1/8 वैलिड नहीं बना तो लिखेंगे आप एज पर प्रूफ, सो 1/8 इज नॉट वैलिड फॉर आंसर, ठीक है ना, सो 8 इज वैलिड, अगर नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ आप प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रखेंगे उधर। तो नंबर बी देखें, नंबर बी क्या है, लॉग ax² - 10 - log ax = log a3। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज और देखनी है, मद्देनजर रखनी है, वो ये है कि देखो आप लोगों का एक फॉर्मूला लग रहा है जो क्वेश्चन लॉ था, लॉ लग रहा है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तब लॉ लगता है, बेसिस सेम है तो लॉ क्या है भाई, क्वेश्चन लॉ है, लॉ आप लोगों का लगा क्वेश्चन, तो देखो लॉग ये ए है यानी x² - 10 अपॉन x हो जाएगा इक्वल्स, अब ये 2 अगर इधर जाता है तो क्या बन जाएगा, log a³² यानी 9 बराबर में, जब ये बेसिस वाला सेम हो जाए लॉग, तो ये लॉग लॉग खत्म हो जाता है एज पर प्रॉपर्टी, x² - 10 अपॉन x क्या बन जाएगा, 9x उधर जाए तो क्या बन जाएगा, x - 10 = 9x, अब ये 9x इधर आया तो 9x - ये इधर जो हो जाएगा, और इसी को जीरो कर देना, और अब मैं सॉल्व ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक तो टाइम का किल्लत है, यहाँ भी आप लोग एज पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, या आप लोग एक काम और कर सकते हैं, ये आके मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो दोनों तरीके सही है, इसको सॉल्व करके x = y = निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया शाबाश। अब उसके अलावा नंबर सी देखो, नंबर सी में देखो क्वेश्चन ये है log 2, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि करना कैसे होता है, x² - 5x + 14 = log 3। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, यानी log 2 3 है ना, ऐसे ही है, सॉरी सिर्फ 3 है, log नहीं है, सिर्फ 3 है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि log 2 भी कर दिया, log 2 ये सारा लिख दिया इज इक्वल टू, उन्होंने क्या किया 3 log 2 2 ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं है, बात सेम है, क्या हो जाएगा log 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे सारा सेम, इधर क्या हो जाएगा फिर ये इधर आ जाएगा, यानी ऑब्वियसली क्या बन जाएगा log 2^2^3 यानी 8, यानी बेस सेम हो गए, फिर ये सारा 8 के बराबर बन जाएगा। तो ये सारा काम करने से बेहतर है कि आप लोग यहाँ कर लेते, इधर देखें जरा, आप सारे मसले को खचट ना बनाए, खचट यानी मैसी ना बनाए, आप लोग जस्ट चेंज चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2^3 = x² - 5x + 14 हो जाएगा। अब 2^3 क्या होता है, 8 होता है, यानी x² - 5x + 14 - 8 = 0, x² - 5x + क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा = 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपका x निकल के आ जाएगा। अब ये याद रखें कि एक्स जब निकलेगा, यानी बी में भी सी में भी जब आपका एक्स निकला, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वैलिड भी देखना है, वैलिडिटी भी देखनी है कि आंसर में ऐसा ना हो कि वैलिड कोई आंसर ना हो, इसमें प्रूफ करके देख लेना कि आपको यहाँ वैलिड बन रहा है तो चल रही, कोई मसला नहीं है, यानी आप इधर एक्स रखेंगे ना दोनों, एक एक रखेंगे देखेंगे वो 3 के बराबर बन रहा है नहीं बन रहा, दूसरा भी रखेंगे देखें 3 के बराबर, तो
जो 3 के बराबर नहीं बना वो आंसर नहीं होगा, ख्याल रखना इस चीज का बड़ा। नंबर डी देखो, देखो इधर लॉग ऐसे था कोई 2x+1/2x+9। आपके टीचर्स को खूब पता है कुछ बुक्स में क्या होता है लॉग, लेट से कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है लॉग, ठीक है कुछ ज्यादातर जो है एलजी लिखा, आप लोगों ने पढ़ा एलजी। अब एलजी किसके बराबर है भाई, लॉग बेस 10 के। अब कहीं पे ज्यादा जैसे कि मैंने ये सवाल दिया बच्चों ने भी कहा कि सर लॉग है ये तो एलजी के बराबर होता है 10 बेस 10, मगर लॉग तो बेस इधर है नहीं तो बेस क्या है। मैंने कहा देखें जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आप लोगों के पास तो आप लोगों ने एक चीज समझ जानी है कि इधर बेस 10 है, आप लोगों का इधर बेस 10 है। अब चलो ठीक है बेस 10 मैंने कह दिया, बच्चों ने क्या किया कि कुछ तो बच्चों ने बड़ा जुल्म किया 0 के साथ, यानी 0 × log उन्होंने क्या किया कि 10 बेस 10 कर दिया, क्योंकि इसका बेस बनाना ना, बेस अगर बन गया तो बराबर हो जाएगा, फिर इसको इधर ले गया तो यानी 10^0 यानी 1 हो गया, तो ऑब्वियसली बात एक हो गई। देखिए ना फिर भी मैं सेम कहूंगा, ये भी तरीका सेम है, सही है, चेंज इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिंपल सा तरीका है। 10^0 आ जाएगा, 2x+1/2x+9 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1, 10^0 1, तो ये पूरा इधर आ गया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x+9 = 2x+1। तो बस ये तरीका अप्लाई करना है और कुछ है ही नहीं। सॉरी ये 4x है, ऊपर वाला 4x है, ठीक है ये वाला 4x है, 4x तो 2x अगर उधर गया 1 इधर आ गया तो ये 8 = क्या बन जाएगा 2x, तो x क्या बना पर 4 के बराबर आ जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत होश से काम लेना है कि ऐसा तो ना होकर सवाल कहीं ना इधर उधर चला जाए। अब ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल में बड़े बच्चे जो है मतलब ठंडी सांसें ले रहे थे, log 2 फिर log 2 फिर क्या है log 2 एंड देन आप लोगों का इधर आ रहा था x, यानी ऐसे ब्रैकेट आ गई = 1 बन गया। यहाँ पे एक सोचने की बात, बड़ी जबरदस्त बात है सोचने की, कि अगर समझ आ जाए। देखिए ये बेस है इसका, ये पूरे का पूरा इस लॉग के लिए ये पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये समझ जाना है, ये पूरा एक बेस है, ये पूरे का पूरा यानी लॉग ए बी है ना, यहाँ पे जो बी है ना ये सारे का सारा समझो बी है। अब करना क्या है भाई, करना क्या है भाई, मिठाइयां बांटनी है, देखो चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे तो 1 किसके ऊपर आ जाएगा 2 के, यानी 2^1 = क्या बन जाएगा, अब एक लॉग खत्म हो जाएगा 2 लॉग आ जाएंगे, log 2 ये एक्स बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यानी आपका फॉर्म क्या बन चुका log 2, यानी log 2 ये एक्स ऐसे बन के 2 बन जाएगा। अगेन लिखो अगेन चेंज इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा 2 इसके ऊपर आ जाएगा, यानी 2^2 = क्या बन जाएगा log 2 x। अब ये क्या बन जाएगा यानी 4, यानी log 2 x = 4 बन जाएगा। अगेन चेंज इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2^4 = log x बन जाएगा, ठीक है यानी 2^2 यानी log x ऐसे, सॉरी मतलब x, आया आया मैं फिर भूल गया ना, एक मिनट जरा, यानी कि 2^4 = x बनेगा, log नहीं x, यानी क्या x बराबर आ गया 16 आ जाएगा आंसर आप लोगों का, आ गया e का, माशाल्लाह मुबारक। और उसके बाद आगे मैं अगर मूव करूं 11 नंबर पे, अब 11 नंबर देखो, 11 नंबर पे अब कुछ भी नहीं था आप लोगों के, लॉग के फॉर्म, यानी इसको सिंप्लीफाई करना था जस्ट। अब कुछ बच्चों ने बड़ी गलतियां भी की हैं इनको सॉल्व करते हुए, उनको लगता है कि हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कर लिया है, बड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर लिया है, सो उनको लग रहा होता है, मगर हमारी नजर से वो गलत जा रहे होते हैं। कैसे देखिए जरा, लॉग ऐसे किया ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ पे log 10 है, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ बच्चों ने एलजी दे दिया ठीक है ना, कोई बात नहीं है इन चीजों में परेशान ना हो, यानी मैं सिर्फ लॉग इस्तेमाल करता हूँ, log√x³y²/z4। अब ये सॉल्व करके देखो ये वही लगेंगे, प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ ऑब्वियसली यही एग्जैक्ट लॉ, यही चीजें लगेंगी। अब लगेंगी कैसे देखो, पावर लॉ लगेगा, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन में है, ये यानी नीचे है डिवाइड में है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे लॉग, यानी इधर क्या था, सॉरी आई सॉरी आई सॉरी एक्स, ठीक है log x³y² ये −log z^4 आ गया, सबसे पहला काम ये करो। उसके बाद देखो ये फिर दोनों प्रोडक्ट हैं, फिर यूं लिखो log x y = log ax + log ay, क्वेश्चन के लिए भी ऊपर आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर आप लोगों ने अच्छा मार्कर चेंज करनी है, मतलब थिंक लाइक दिस के भाई ये आप लोगों का
किसी और मार्कर में होना चाहिए, यानी आप लोगों को किसी और कलर मतलब पेन से होना चाहिए। अगर आप पूरा ब्लू से लिख रहे हैं, ये आप लोग आप एज अ मिसाल के तौर पे भले ब्लू में लिखें या उसके जो ऊपर हाईलाइट करना है वो हाईलाइट आप लोग मतलब कि रेड में कर दें या ग्रीन में कर दें या आप लोग ब्लैक में कर दें, तो चेक करने वाले के लिए बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि आप हवाला दे रहे होते हैं इसको। ये हवाला दिया आपने, फिर आप लोग स्टार्ट हो गए फिर अपनी मतलब पेन में। मैं तो रेड कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा मतलब विजिबल बनने के लिए कर दिया। फिर क्या होगा, लॉग ये रूट एक्स प्लस लॉग 3y² ये माइनस लॉग z4। अब ऑब्वियसली पावर लॉ इस्तेमाल करें, यानी 1/2 है ना। अब भले इसको और सिंपल मतलब फाइंड करें, लॉग 1/2 प्लस लॉग वाई, ये देखिए क्या बनेगा, 2/3 माइनस लॉग z4 आ जाएगा। अब पावर लॉ इस्तेमाल करें, 2 इधर आ जाए, 1/2 हो जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स प्लस ये फिर 2/3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग वाई आ जाएगा, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 log z आ जाएगा। ये आपको आप लोगों का जो है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, तो तगड़े होने आप लोगों ने, ठीक। अच्छा सर, ये थोड़ा मार्कर जो है वो हाईलाइटेड बना रहा है। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, बी। अब इधर भी आप लोगों ने बड़ा खचट किया है, देखिए कैसे। देखो क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स 3/y z log 3। अब यहाँ पे आके लास्ट में बच्चों ने बड़ा मसला किया, जिसके लिए वजह से मार्क्स कट जाती हैं। वो क्या है, देखो वो ये है कि सबसे पहले यूज क्वेश्चन लॉ, क्या देखो यूज क्वेश्चन लॉ के लिए मैं मार्कर दूसरी चेंज कर रहा हूँ, यूज क्वेश्चन लॉ यानी लॉग ax/y log ax-log ay कर दिया आप लोगों ने। चलो ये आप लोगों ने ऐसा हवाला दे दिया, भाई ये हम लोग यूज करने जा रहे हैं। फिर मार्कर सेम पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स 1/3 कोई मसला नहीं कर दो माइनस। अब जब माइनस कह रहा है ना, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो चलो ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी बाद में समझाता हूँ वो लॉग। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, वही चीज लिख रही है, वाई जेड लॉग 3 आ जाता है। अब इधर आके बच्चों ने थोड़ा बहुत मसला किया, क्या मसला किया, देखो इधर आके आप लोग पास दो तरीके हैं, क्योंकि फिर ये टूटेगा, जब ये फिर ये टूटेगा तो बच्चों ने क्या किया है, बस ऐसा कर दिया है, लॉग एक्स 3 करके मतलब 1/3 करके माइनस, उन्होंने क्या किया, लॉग लॉग क्योंकि वाई के ऊपर भी है जेड के ऊपर भी है, तो वाई 1/3 ये प्लस 1/y मतलब जेड 1/3 कर दिया है। मगर ये बड़ी गलती है जो कि बच्चों को नजर नहीं आई, मगर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये बड़ी बला है। इधर देखो आप लोगों ने इधर ब्रैकेट नहीं दिया, ये ब्रैकेट नहीं दिया ना, तो ये समझ लेना क्योंकि ये माइनस का दोनों है, आपने इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये बड़ा नुकसान होगा। क्यों, ये बड़ी गलती है, क्योंकि ये माइनस इस दोनों के साथ है, तो ये सब इधर ब्रैकेट देंगे ना, तो ब्रैकेट में पता चल जाएगा यार हाँ दोनों के साथ है, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, वरना आपको ये भी माइनस का करना पड़ेगा। इधर अगर माइनस का करते हो तो फिर राइट है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ये ब्रैकेट दे देना तो बेहतर है। तो यानी ये गलत तरीका गलत था आप लोगों का। अच्छा कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक है अच्छा मतलब फैसला लिया था, वो ये था कि लॉग क्या किया, लॉग एक्स वाई का पावर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 इधर दे दिया उन्होंने, ठीक हो गया, फिर भी सही है, 1/3 दे दे क्योंकि दोनों के ऊपर है। फिर भी आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अगर आप लोगों ने और सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि लॉग, चलो ठीक है मैंने कर रहा लॉग एक्स, सॉरी एक्स इधर नहीं है, यानी लॉग एक्स 1/3 ये -1/3 करना है, तो फिर ब्रैकेट देनी है, फिर आप लोग प्रोडक्ट लॉ लगाएं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई करके, अभी आप लोगों का 1/3 इधर आएगा, यानी 1/3 लॉग एक्स -1/3 ब्रैकेट देंगे। मगर ये मैंने जब चेक किया तो मैंने थोड़ा नोटिस किया ये चीजें आप लोगों की मिस्टेक में थी, मगर वो समझ रहे थे कि उनको आ रहा है, बड़े कॉन्फिडेंशियल भी थे, यहाँ पे आप लोगों की मार्क्स कट जाती है। तो ख्याल से नंबर सी देखो क्या लिख रहा हुआ है, लॉग एक्स देखिए फिर क्या है, ऐसे है लॉग एक्स, क्योंकि देखो फिर क्या है आप लोगों का, लॉग ये पूरा रूट है, यानी एक्स फिर रूट में अपॉन क्या है, जेड है। अब ये सवाल थोड़ा आप लोगों ने समझना है, देखो मसला है कि आप लोगों सिर्फ हल करना है, यानी सॉल्व लिखना है, सॉल्व या सॉल्यूशन कुछ भी, एंड देखिए लॉग एक्स इंटू देखो जेड के ऊपर है, यानी इंटू यानी जेड ऐसे है, यानी जेड के ऊपर है, मगर एक्स के ऊपर दो दो है, यानी एक्स 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 होगा,
1/1/2 लिखेंगे तो भी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लॉग बच्चों ने क्या किया, एक्स को अलग कर दिया, उस एक्स को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। देखो आप लोग रूल लगा सकते हो ना, प्रोडक्ट रूल, यानी x1 है, x इंटू x हो जाए तो पावर के प्लस होते हैं, 1/4 एंड 1/ क्या है z, तो log ये x क्या होगा, देखो भाई x क्या होगा, 5/4/log z है ना, ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो फर्म लास्ट फाइनली क्या बनेगा आप लोगों का, फाइनली यही बनेगा log x5/4 + log सॉरी माइनस माइनस का log z। अब इसको चेंज करो, यानी 5/4 करके log x माइनस ये 1/2 होगा, log z हो जाएगा, बात खत्म, ये आप लोगों का आंसर था इधर। तो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि वो क्वेश्चन किस तरीके से जा रहे हैं। ये अजान मिल रही है, सॉरी मैं अजान को थोड़ा कम, ठीक है, हो गया, थैंक यू सो मच, शाबाश। सो अब देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं लेट से कि इन्हीं क्वेश्चन की, इन्हीं चीजों की, सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना होगा क्या। देखो अब बातें कुछ और हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा चीजें आगे समझना, क्योंकि ये टिक मार्क का क्वेश्चन है, मैंने दिए सिर्फ इसी वजह से था आप लोगों को अच्छे खासे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब अंडरस्टैंडिंग कैसी, देखिए जरा, अब ये क्या है कि आप लोगों को ये सिर्फ बताना था, ऐसे क्वेश्चन तो जरूरी नहीं आप पूरे स्टेटमेंट लिखे हैं, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ए सही है, बी रॉन्ग है, सी सही है, डी रॉन्ग है, ये भी काफी है, इनफ है, मगर अच्छे तरीके से लिखना है। आप लोगों ने पेपर में बड़ा खचट मचाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, चेक करने वाले को दिल ही नहीं करता है, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने अभी लगभग 40 पेपर चेक करने हैं, बल्कि चेक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चेक भी हो गया, तो मुझे कुछ कुछ पेपर को चेक करने ही पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हुआ ना ऐसे। इधर देखो जरा, ए स्टेटमेंट है, देखो क्या है, लॉग x/y³ है, अच्छा जब क्वेश्चन पेपर दिया था तो इधर x³ था, मगर ये मिस्टेक थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। कह रहे क्या ये बराबर है लॉग x-3 log y का, यस बराबर है, क्यों भाई, क्वेश्चन लॉग अलग है, यानी लॉग एक्स ये माइनस क्या हो जाएगा, लॉग y³ हो जाएगा, तो y इधर आ जाए आ जाएगा, लॉग x-3 log y आ गया सेम, यानी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नंबर सेकंड देखो, देखो भाई ये स्टेटमेंट इसके बराबर नहीं है, यानी लॉग मैं कहूँगी ए माइनस लॉग बी कहूँ तो ये बराबर लॉग क्या है, ये बराबर है लॉग a/b के, ना के बराबर है, ना कि ये बराबर है लॉग a-b के, या याद रखें, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन ला जब पढ़ा है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बराबर किसके है, तो आप लोग प्लीज यू डोंट बी डेयर्ड कि भाई बस ये सही हो गया, नहीं सही नहीं हो, ये गलत है। अच्छा लॉग एक्स के इज इक्वल टू के लॉग एक्स, ये तो पता है आप लोगों को कि भाई पावर लॉ लगा है डायरेक्ट, आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि याद हो गया होगा, ये तो आप लोगों का सही है, ठीक है, सॉरी ये गलत है, ये सही है। अब ये वाला देखो, डी वाला, डी में क्या है, देखो लॉग डी, क्योंकि ये ए प्लस बी अलग तरीका है, लॉग ए लॉग बी लॉग ए प्लस बी नहीं हो सकता, ये मतलब ऐसा समझो बात ही अलग हो जानी है बाद में, फिर ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया ना, इस चीज का थोड़ा बहुत ख्याल रख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे कि ई है, देखो एल एन ए पावर होल पावर के है इज इक्वल टू के एल एन ए, ऐसा नहीं होता, अगर हाँ एल एन ए पावर के ऐसे होता तो मसला नहीं था, क्योंकि ये फिर इधर आ जाता और यहाँ पे के आ जाता तो फिर ये सही था, ये होल पावर के है, यानी ये कैंसिल करने के लिए, के कैंसिल करने के आपको होल पावर 1/k देना पड़ेगा, ऐसे ये खत्म करके 1/k आता इधर, अब ये बराबर जाता, यानी एल एन ए किसके बराबर, ये पूरा बन जाता, इसके बराबर बन जाता, इसका थोड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। नंबर सेकंड देखें, ये इसी में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, एल एन यानी 1/x = - यानी सॉरी एल एन एक्स के बराबर है, बच्चे कह रहे सर ये तो बड़ा मसला है, नहीं 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 रुको रुको जरा, माइनस है ठीक है, एल एन है 1/x को अगर मैं x-1 लिखना चाहूँ कोई मसला तो नहीं है, अब ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यानी -1 × -1 क्या हो जाएगा, आए हाय मेरी जान, देखो -(-) + बन जाएगा, +1 यानी एल एन एक्स आ गया, तो ये भी ये राइट है, यानी पहला राइट है, सी राइट है और एफ राइट है, बाकी सारे रॉन्ग है, गलत है, शाबाश, हम चले एग्जाम तक पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। नंबर 12 देखो, नंबर 12 वाज वेरी इजी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। देखो कैसे, देखो भाई एक्स इज इक्वल टू 2/p, वाई इज इक्वल टू 4/q, क्लियरली शो दैट, यानी शो दैट शो क्लियरली दैट लॉग 2, अच्छा ये बेस था मैंने बच्चों को बाद में बता दिया था, यानी लॉग 2x³y किसके बराबर है, 3p + 2q के बराबर, प्लस इसके बराबर करना, भाई क्वेश्चन
कुछ मसला नहीं है, आपको एक्स भी दिया गया है, वाई भी दिया गया है, डायरेक्ट आप एक्स वाई पुट करो भी आपकी मर्जी है, या आप लोग इसको प्रोडक्ट टूल में पुट करो, यानी 2x3 + log 2y पुट किया, ठीक हो गया, ये 3 आपका इधर आ गया, यानी क्या बन जाएगा 3 log 2x + log 2y। अब नाउ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर p, वाई इज इक्वल टू 4 पावर q, ठीक हो गया, शाबाश। नाउ पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज लिखना है आप लोगों ने, 3 log 2x क्या है 2 पावर p + log 2 4 पावर q, वाई वाई 4 पावर q के बराबर है ना। यू कैन से कि p जो है आपका इधर आ गया, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 3p, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ अच्छा ये भी करना है कि log 2 2 = 1 लिखना है, प्लस log 2 4 क्या होता है 4 का पावर, यानी 2 का पावर 2, यानी 2q हो जाएगा। अब 2q इधर आ जाएगा, यानी 3p + या (1) ये क्या हो जाएगा 2q, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या आ गया 3p + 2q आ गया। देखो किसके बराबर करना था, 3p + 2q के बराबर करना था। सो आखिर में आपने लिखना है कि हेंस प्रूव्ड log 2, कुछ बच्चे लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड 3p + 2q = 3p + 2q, ये तरीका भी गलत है भाई, आपको ये बराबर नहीं करना था, ये तो आ गया ना। आपने हैंड प्रूफ लिख के log√2x³y लिख के बराबर करना है 3p + 2q, हैंड प्रूफ ये लिखना है आप लोगों ने, जो ओरिजिनल था, ठीक हो गया। अच्छा अब नंबर सॉरी 13 पे आते हैं, नंबर 13 पे आके विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट, देखो कुछ भी नहीं आया, देखो बेस 5 है, बेस 5 है, ये बेस 5 है, ये बेस 5 है, ये बेस 5 है, सारा तो पड़ा हुआ है, ये -1 है, इसी पे आप लोगों को बड़ा खदशा था। कुछ बच्चों ने क्या किया, log 5 5 करके मतलब इधर 5 और 4 -1 करके इसको 3 कर दिया, ये 3 नहीं है, ये -1 अलग है। देखो कैसे करते हैं, सॉल्व 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 कैसे करते हैं, इधर देखो शाबाश, थोड़ा इधर, हाँ क्या लिखा हुआ है, log 5 9 + 2 log 5 6 - 4 log 5 3 upon log 5 40 - log 5 4, ये -5 1 है। अगर मैं 1 को log 5 5 लिखूंगी, मसला तो नहीं है, देखो असल मसला यही है कि सवाल हल करते वक्त आपका दिमाग बड़ा क्रिटिकल क्रिएटिव होना चाहिए, यानी 1 को आपने 5 5 क्यों लिखा, कि आपको जरूरत है ना इस चीजों की। देखो कैसे अब आगे सॉल्व कैसे होगा, देखो जरा, देखो भाई ये प्रोडक्ट रूल में आ सकता है, यानी आ सकता है, और ये 2 इधर जाएगा फिर, यानी 6 पावर 2 36 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, मेरा स्पेस कम है इसलिए मैं गुजारा कर रहा हूँ, 9 × 36 हो जाएगा। अब ये क्या बीच में माइनस है, 4 इधर चला जाएगा, यानी 3 पावर 4, किसी बच्चे ने तो 64 लिख दिया 3 पावर 4, नहीं ये 81 होता है, यानी क्या है माइनस, यानी log 5 81 हो जाएगा। अब अपॉन, देखो एक एक काम करना है, यहाँ पे जाके बच्चे जो डिनोमिनेटर में एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे जाके बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन ऑब्वियसली होनी चाहिए। अब सिंपल सा मेथड है, आप माइनस कॉमन ले लो, यानी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, 440 - कॉमन लिया ना, आप लोगों का ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा आराम से, सॉरी ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप लोग इधर फॉर्मूला लगा के आप लोग आराम से काम कर सकते हो, ये माइनस हो जाएगा, यानी देखो log 5, ये 9 × 36 मल्टीप्लाइंग करो, फंस जाओगे आप लोग, 36 अपॉन क्या होगा 81 होगा, 81 होगा, ये अपॉन देखो log 5, ये 40 आ गया, ये माइनस है, मगर ये क्या आएगा log 5 4 × 5, क्योंकि 4 × 5 ही होगा ऊपर है, ये 20 आ जाएगा। अब आप लोग देखें बड़ा आसान बन गया, क्या आसान बन गया, देखो 9 की टेबल 81 पे 9 टाइम 9 की टेबल 36 पे कितना आएगा 4 टाइम, यानी क्या बन गया आपका log 5 ये 4, ठीक है शाबाश। अपॉन ये लॉग, देखिए ये लॉग ये क्या बना, देखो ये 20 है, अब माइनस का आ गया, यानी क्या हो गया लॉग, ये आपका क्या बन जाएगा, यानी log 5 40 - log 5 20 बन जाएगा। अब माइनस वाला ऑब्वियसली क्वेश्चन लॉग क्या बन जाएगा, log 5 40 / 20, तो क्या बन जाएगा log 2, यानी क्या इधर log 5 2 आ जाएगा। अब ये पूरा मिटा के अगर आप लोगों के लिए मैं स्टेटमेंट बनाना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी, यानी लॉग अगर मैं करूँ, यानी log 5 ये 4 है और ये क्या है log 5 ये 2 है, तो देखो ये 4 को अगर मैं यूं करूँ log 5 4 2 पावर 2 अपॉन
लॉग फाइव टू है। अब ये टू पावर लॉ यानी टू इधर चला गया तो लॉग फाइव टू अपॉन लॉग फाइव टू, तो ये डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, तो बचा गया टू, तो आंसर इज टू। यानी ये पूरा किसके बराबर बन गया, टू के बराबर बन गया। इसकी 4 मार्क्स थी, इसकी भी 4 मार्क्स थी, इसकी भी 4 मार्क्स थी। सो गाइज यहाँ तक का आई थिंक इनफ है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे स्टिल आई हैव डाउट, और ऑब्वियसली मैं डाउट क्लियर करके आपको कर सकता था, ये दे सकता था, मगर आप लोगों के पास दिन कम है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस पे रिसर्च करना काफी नहीं समझा, क्योंकि फिर यदि अगर रिसर्च वगैरह करता टाइम चला जाता, मैं वीडियो भी नहीं बना सकता, मेरे टाइमिंग के इश्यूज होते हैं, इसलिए मैंने समझा कि भाई अर्जेंट में जो चीजें हैं वो कर दो, बच्चों को समझा दो, कोई मसला नहीं है। बाकी मुझे अगर जल्दी आता है, शाम तक मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इस पे रिसर्च करके आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, या तो बेसिस का मसला है, या तो मतलब कहीं ना कहीं भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट ऑब्वियसली 100% मैं ये नहीं कहते कि महान है, पर ये कि कहीं ना कहीं मुझे भी यहाँ पे डाउट इस क्वेश्चन पर नजर आ रहा है। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिड से पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर बता दूंगा। यहाँ तक का सोल्यूशन आप लोगों के लिए इनफ है, तो मुझे प्लीज 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 आप लोगों से कमेंट चाहिए यही कि आप लोगों को क्या ये समझ आया है, या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा, आप ये लास्ट मेरे वर्ड तक पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे, सारा लेक्चर आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टेस्ट बड़ी काम की आई होगी। सो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, और आप लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, मेरा हमेशा यही कहना होता है, अगर आप लोगों ने हिम्मत हार दी तो मतलब आपके साथ जो सारी दुनिया है आप लोगों के लिए हिम्मत हार जाएगी। सो आप लोगों ने अगर आप अपने लिए स्टेप लेना है, तो यानी आप लोग हमेशा हिम्मत नहीं हारना आप लोगों ने। सो यही है कि आप लोग ऑन द स्पॉट मूव करें, मूव ऑन करें, और हमारे लिए दुआएं देते रहें, और ऑब्वियसली आप लोग अपने लोगों के साथ जुड़े रहें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआ है कि आप लोग सारे लोग आप लोग पास हो जाओ, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच।